नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। जैसा आप सभी ने पिछले वीडियो में संचारी भावों का अध्ययन सुना, हम बात कर रहे थे संचारी भावों के पूरे प्रकरण की, जिसमें हम अध्ययन कर चुके हैं उन्माद संचारी भाव तक। आपने देखा कि उन्माद मन का पागलपन है, और जैसा भाव या मन का जो आह्लादित होने का जो भाव है वो उन्माद कहलाता है। उन्मादी व्यक्ति ईश्वर से अधिक प्रेम में, अपने प्रिय के प्रति प्रेम में या अपने कर्म में इतना लीन और डूब जाता है कि दूसरे देखने वाले व्यक्ति को वह पागल के जैसा लगता है, लेकिन वह पागल होता नहीं है, वह उन्माद की दशा में है। यानी उसका मनो मस्तिष्क उस कार्य में इतना लीन है कि वह डूब जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे, आज 23वां संचारी भाव है चिंता। चिंता मन का वो भाव है जो हमारे किसी फल के या उद्देश्य के प्राप्त न होने का भाव है, कि हमने कोई कार्य किया या हमने कोई फल की आशा की, वो जब हमें प्राप्त नहीं होता दिखता है तो हमें चिंता का भाव आता है। 24वां है चपलता। चपलता का मतलब है चंचलता, अर्थात तत्परता, अर्थात उत्साह का भाव, अर्थात हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य में हमें बहुत अच्छा लगता है, वह कार्य हमारी रुचि का होता है या हमें उससे आनंद प्राप्त होता है, तो हम उसे शीघ्रता से करते हैं, तत्परता से करते हैं, उसे ही चंचलता कहते हैं, चपलता कहते हैं। 25वां संचारी भाव है निद्रा। निद्रा का मतलब नींद से है, लेकिन पूर्णतया नींद न आकर के, निद्रा का मतलब नींद आने के जैसा भाव, तंद्रा आना। कुछ व्यक्ति इसमें चेतन अवस्था में रहता है, और जैसे कई बार कर्मेंद्रियों की शिथिलता के कारण या नायक नायिका के विरह के कारण ऐसी दशा पैदा होती है। 26वां संचारी भाव है निर्वेद। निर्वेद का मतलब है विरक्ति, अर्थात सांसारिकता से विरक्ति, भौतिकता से विरक्ति या आकृष्ट करने वाले समस्त उपादान या उपकरणों से या वस्तुओं से व्यक्ति को जब मोह भंग हो जाता है तो वहां विरक्ति का भाव है, वो निर्वेद का भाव। 27वां संचारी भाव है गर्व। गर्व का मतलब होता है स्वयं व्यक्ति श्रेष्ठ है और दूसरे को हीन समझता है, अर्थात इसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझेगा और दूसरे उसके सामने हीन होंगे, उसे हम गर्व का संचारी भाव कहते हैं। फिर आता है ग्लानि। ग्लानि स्वयं के प्रति खेद है, स्वयं के प्रति खुद की नजरों में व्यक्ति गिर जाता है, तब उसे हम ग्लानि कहते हैं। यानी हमारी किसी असफलता के कारण, ऐसे किसी अनैतिक कार्य के कारण, या हम किसी परंपरा, धर्म या आदर्शों के खिलाफ जाते हैं, उस बात का हमें गहरा दुख होता है, खेद होता है, तब ग्लानि का भाव आता है। तो व्यक्ति स्वयं के प्रति खेद व्यक्त करता है और स्वयं की नजरों में ही गिर जाता है, उसे हम ग्लानि का भाव कहते हैं। फिर 29वें नंबर पे आता है धृति। धृति यानी धैर्य, अर्थात हमारे मन की स्थिरता का भाव। हमारे मन में किसी भी घटना, दुर्घटना, परिस्थिति, विकट परिस्थिति को देखकर जो स्थायित्व बना रहता है उसे हम धैर्य कहते हैं। यानी विकट परिस्थिति में भी जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखता है और स्थायित्व रखता है और उस परिस्थिति का मुकाबला करता है, तो वहाँ धैर्य यानी धृति संचारी भाव प्रस्तुत होता है। अब आता है 30 नंबर पे आता है त्रास। त्रास होता है आकस्मिक कष्ट, आकस्मिक पीड़ा या दुख। यानी
अचानक कोई संकट आ जाए, अचानक कोई दुख आ जाए, अचानक किसी प्रकार की वो दुर्घटना हो जाए, उसके कारण हमें जो दुख होता है उस परिस्थिति को काव्य शास्त्र की भाषा में त्रास कहते हैं। अचानक कोई जैसे भूकंप आ गया उसको हम त्रासदी कहते हैं, कोई प्रलय जल प्रलय हो गई वो त्रासदी है जो त्रास के कारण आती है। ऐसे में हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे त्रास संचारी भाव के अंतर्गत लिया जाता है। फिर आता है हर्ष। हर्ष का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रसन्नता है। शुभ समाचार से उत्पन्न जो भाव है, यानी हमें जब अच्छा लगता है किसी भी उपलब्धि से, हमारे किसी शुभ कार्य से, हमारे किसी मनोवांछित कार्य के संपन्न होने से, या हमें किसी इच्छित फल की प्राप्ति होती है तो हमें बड़ी खुशी का अनुभव होता है, वही हर्ष है, वही प्रसन्नता है। हर्ष के बिल्कुल विपरीत त्रास होता है। त्रास में सह हृदय सामाजी को कष्ट होगा और हर्ष में उसको प्रसन्नता होगी। फिर आता है 32वां संचारी भाव, दैन्य। दैन्य एक तरह से दीनता का भाव है, अपने आप को दीनहीन बताना, दीनता का भाव, कमजोरी का भाव, अभावग्रस्त होने का भाव, या व्यक्ति अपने आप को निर्बल मानता है, असहाय मानता है, या दूसरों के बनिस्पत अधिक दुखी समझता है, वह दैन्य का भाव है। काव्य शास्त्र में जब नायक के पास या किसी पात्र के पास कुछ नहीं बचता, उसका सब कुछ लूट जाता है, या फिर वह विकट परिस्थिति से घिर जाता है, उसके पास किसी प्रकार का कोई उपाय या रास्ता नहीं बचता है, वह अत्यंत लाचार हो जाता है, तो दैन्य का संचारी भाव प्रस्तुत होता है। जैसे सुदामा के पास कुछ नहीं था, वह दैन्य संचारी भाव में जीता था। भगवान श्री कृष्ण के पास सब कुछ है, वह हमेशा हर्ष में रहते थे। अंतिम संचारी भाव है जड़ता। जड़ता से तात्पर्य है कर्मेंद्रियों की शिथिलता, अर्थात व्यक्ति कर्म न करने का भाव जब आता है व्यक्ति में तो वह जड़ हो जाता है। किसी प्रकार के कार्य को न करने का भाव, एक जगह स्थिर हो जाना, स्तंभ बन जाना, और व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता बिल्कुल समाप्त सी हो जाती है, कर्मेंद्रिय एकदम शिथिल हो जाती है, तब जड़ता का संचारी भाव प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार आपने 33 संचारी भावों का अध्ययन किया। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया कि ए नाम से 4 संचारी भाव हैं, और जिसमें अवहित्था, अपस्मार, असूया संचारी भावों का जो अध्ययन हम कर रहे थे, अवहित्था, अपस्मार, असूया और अपस्मार, और इसके पश्चात देखिए आ नाम से आवेग और आलस्य था, वैसे 5 संचारी भाव थे, विबोध, वितर्क, व्रीड़ा, व्याधि, विषाद, मैं नाम से 4 थे, मति, मरण, मोह, मद, ऊ नाम से 3 थे, ऊ वर्ण से उन्माद, उग्रता, उत्सुकता, फिर श्रम, शंका, 2, स्वप्न, स्मरण, 4, 2 तालव्य से हैं, 2 दंते से हैं, उत्सुकता, उग्रता, उन्माद, 3 ऊ हो गए, चिंता, चपलता, 2 च, निद्रा, निर्वेद, 2 न से बन रहे हैं, गर्भ, गलानी, 2 ग से, फिर एक एक अक्षर हैं, धृति है, त्रास है, हर्ष है, दैन्य है और जड़ता है। ये आप देखेंगे तो 5 वर्ण से बनने वाले संचारी भाव जो संख्यात्मक रूप से एक एक हैं, धृति, त्रास, हर्ष, दैन्य, जड़ता, बाकी गर्व, गलानी, 2 ग हो गए, 2 न हो गए, 2 च, 3 उ, इस प्रकार से हम इनका अध्ययन विस्तार के साथ कर सकते हैं। काव्य शास्त्र में संचारी भावों का बड़ा अहम मुख्य भूमिका होती है इनकी, इसलिए 33 संचारी भाव हमें याद करने के लिए वर्णानुक्रम के आधार पर इनको हम एक सूत्र बना करके याद
कर सकते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में हमने 33 संचारी भावों का अध्ययन विस्तार से किया। निश्चित रूप से आपको ये 33 संचारी भाव याद होंगे एवं इनकी परिभाषा और इनका जो स्पष्टीकरण है वो भी आपको निश्चित रूप से याद होगा। धन्यवाद।